हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, इससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं। स्किन में एक्ने की समस्या हो सकती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, डार्क सर्कल की समस्या हो सकती है, ओपन पोर्स की समस्या हो सकती है, ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। इन्हीं में से एक होती है अंडर आर्म्स जो हमारी होती है, उसका डार्क हो जाना, ब्लैक हो जाना। दूसरी जो है हमारी एल्बो यानी कि हमारी कोहनी, वो भी ब्लैक हो जाती है, हमारे घुटने ब्लैक हो जाते हैं, या बहुत बार देखा है कि अंडर लेग्स हैं उधर भी कालापन आ जाता है। तो अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं, अगर आपके भी घुटने हैं वो डार्क हो गए हैं, या फिर आपकी एल्बो यानी कि कोहनी डार्क हो गई है, अंडर आर्म्स में कालापन है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि अगर हमारी अंडर आर्म्स ब्लैक होती है तो हम स्लीवलेस नहीं पहन पाते हैं कॉन्फिडेंटली। गर्मियों के मौसम में तो हर कोई चाहता है कि वो स्लीवलेस पहने। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनको कैसे लाइट कर सकते हैं और इस कालेपन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में जानेंगे कि बिना किसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के हम लोग कैसे इसको लाइट कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो हमारी अंडर आर्म्स या फिर अंडर लेग्स होती है वो इतनी ज़्यादा ब्लैक क्यों हो जाती है स्किन के दूसरे पार्ट के अलावा। तो सबसे पहला इसका जो मेन रीज़न है वो क्या होता है कि हमारी जैसे अंडर आर्म्स मान लो या फिर अंडर लेग्स होती है, वहाँ पे दो स्किन एक साथ मिलती है जिसकी वजह से वहाँ से हवा पास नहीं हो पाती है, और उसके कारण वहाँ पे पसीना भी ज़्यादा आता है, अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, पसीना सूख नहीं पाता है, और धीरे धीरे वो जो एरिया होता है वो डार्क, मतलब कलर उसका है वो डार्क होने लग जाता है। और कुछ ही दिनों में आप, मतलब ये आपने तो नोटिस ही लेट ही किया होगा, लेकिन स्टार्ट में डार्क नहीं होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो वहाँ का रंग है वो चेंज हो जाता है। और यही कारण हमारी अंडर लेग्स के लिए होता है और यही हमारी अंडर आर्म्स के लिए होता है। नी, ये जो होती है नी या एल्बो, उसमें क्या होता है कि उसमें वो जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वहाँ पे जल्दी अफेक्ट करता है, मतलब कोई भी जैसे सनबर्न है वो जल्दी वहाँ पे इफेक्ट करता है। इसकी वजह से भी वहाँ पे कुछ लोगों के, सब लोगों के नहीं होती ये प्रॉब्लम, लेकिन कुछ लोगों के वहाँ पे कालापन शुरू हो जाता है। तो ये कालापन तो चाहे किसी भी कारण की वजह से हो, बहुत सारे लोग इस बात को भी लेके बोलते हैं कि अगर हम जैसे लड़कियां हैं वो वहाँ अंडर आर्म्स को क्लीन करने के लिए कॉस्मेटिक जो क्रीम में आती है, जो क्रीम्स होती है हेयर रिमूवल, उसकी वजह से हो जाता है, या फिर रेजर यूज़ करने की वजह से भी हो जाता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग कारण इसके लिए दिए जाते हैं, लेकिन मेन इसका, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इससे कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते फिर भी उनकी अंडर आर्म्स या अंडर लेग्स होती है वो ब्लैक होती है। तो रीज़न पे अभी नहीं जा रहे हम लोग, मेन जो है इसका कि इसको हम वापस लाइट कैसे करें। अगर ये डार्क है तो इसको लाइट करना है, साफ करना है, क्लीन करना है, ताकि हम कॉन्फिडेंटली है वो स्लीवलेस कपड़े पहन सके, या हमारी स्किन है वो अच्छी रहे, सुंदर दिखे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नेचुरल चीज़ें बता रही हूँ, उसकी मदद से आप अपनी स्किन को लाइट कर सकते हो। तो इसमें बात करें तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है नींबू यानी कि लेमन। लेमन में एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है जो हमारे स्किन को लाइट करता है। लेकिन मान लो आपने अपने ये जो अंडर आर्म्स है वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो जलन हो सकती है, वहाँ कट लगा हो सकता है, या किसी भी कारण से हम डायरेक्ट अप्लाई करना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अगर आपके कोई भी किसी चीज़ से सेंसिटिविटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा डायरेक्ट प्रीफर कम करती हूँ। आप इसके लिए क्या कीजिए, थोड़ा सा बेसन लीजिए और उस बेसन में थोड़ा सा शहद मिक्स कीजिए और एक चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए और एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट को थोड़ी सी देर रब कीजिए अपने अंडर आर्म्स या फिर अपने एल्बो या नी, इन पे थोड़ी देर रब कीजिए, और फिर 10 से 15 मिनट उसको लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। ऐसा आप रेगुलर कर सकते हो, दिन में एक बार बार कर सकते हो, किसी भी समय जो समय आपको सूटेबल हो। तो ऐसा रेगुलर करने से धीरे धीरे आपकी स्किन का कलर है वो चेंज होने लग जाएगा, डार्क से लाइट होने लग जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरी जो चीज़ है वो है ओलिव ऑयल।
ओलिव ऑयल हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही मतलब नेचुरल तरीका होता है। पुराने ज़माने में ओलिव ऑयल चेहरे पे यूज़ किया जाते थे। पुरानी जो रानी राजा महाराजाओं के ज़माने में जो रानियाँ होती थी, वो बोला जाता है ऐसा कि ओलिव ऑयल वो अपने चेहरे पे लगाती थी, उससे उनकी स्किन है वो सुंदर और बेदाग होती थी। अगर आपके चेहरे में भी कहीं कालापन हो, जैसे होठों के पास पास कालापन हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसका आपको इस्तेमाल स्क्रब के रूप में करना है। आपको थोड़े से ओलिव ऑयल के अंदर थोड़ी सी शुगर मिक्स करनी है और अपने जो अंडर आर्म्स या नी या एल्बो होती है वहाँ पे अच्छे से कुछ देर तक, 2 या 3 मिनट तक रब करना है, अच्छे से स्क्रब करना है। और उसके बाद आप उसको स्क्रब करके 2 या 3 मिनट ऐसे छोड़ सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट वॉश कर सकते हो। इससे भी आपकी स्किन है वो लाइट होती है, अंडर आर्म्स है वो लाइट होती है, अंडर लेग्स में भी जो ब्लैक पेन है वो कम होता है। साथ ही अगर आप चाहो तो अपनी स्किन पे भी, अगर आपके चेहरे में भी कहीं कालापन होता है, बहुत सारे लोगों के होठों के आसपास नोज के आसपास ब्लैक हो जाता है, तो वो भी कम होता है, तो वो भी धीरे धीरे लाइट होने लग जाएगा और स्किन है वो एकदम साफ कुछ ही दिनों में हो जाएगी। तो ओलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। ओलिव ऑयल के अलावा आप नारियल जो तेल होता है, नारियल का कोकोनट ऑयल, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो भी आपकी स्किन को लाइट करने में फ़ायदेमंद होता है। उसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, जिसकी वजह से आपके, जैसे क्या होता है कि पसीना आने की वजह से हमारी जो अंडर आर्म्स होती है वहाँ पे क्या होता है, कट लग जाते हैं, उस कट को भी दूर करता है और साथ ही साथ स्किन को सॉफ्ट बनाता है और लाइट करता है। तो आप रेगुलर नारियल तेल की मसाज भी अपने इन एरियाज पे कर सकते हो, इससे भी आपकी स्किन है वो लाइट होती है। ये तो है रही ऑयल की बात। अब एक चीज़ और है जिसको हम बोलते हैं एप्पल सेडर विनेगर। ये हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो उसमें भी हम लोग एप्पल सेडर विनेगर का एडवाइस करते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी स्किन काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, तो उसको लाइट करने में भी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एसिड होता है। लेकिन इसको भी यूज़ करने का कुछ तरीका होता है, डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करना है क्योंकि इससे जलन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है और उसके अंदर एप्पल सिडर विनेगर मिक्स करना है और उसका जो पेस्ट है उसको अपने अंडर आर्म्स या फिर जहाँ आपकी स्किन ब्लैक हो रही है वहाँ पे लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हो। ऐसा आपको रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है, आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार कीजिए इसका इस्तेमाल। इससे आपकी स्किन है वो लाइट होती है और धीरे धीरे उसका कलर है डार्क से, मतलब आपका कलर क्लीन हो जाता है और डार्क से लाइट हो जाता है। तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा बेकिंग सोडे को मतलब नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो एप्पल साइडर विनेगर के बिना ही। कैसे करना, आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना, उसको अंदर पानी मिक्स करना और पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट से अपने अंडर आर्म्स, नी, एल्बो, इन पे आपको थोड़ी देर रब करना है। रब करने के बाद उसको एज इट इज 10 से 15 मिनट लगा रहने दीजिए और उसके बाद इसको वॉश कर लीजिए। इससे भी आपकी स्किन है वो लाइट होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपकी स्किन है, जो अंडर आर्म्स की स्किन है या फिर अंडर लेग्स है, नी है, एल्बो है, उनकी जो काली हो गई स्किन है वो धीरे धीरे लाइट होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने इन कालेपन को क्लीन कर सकते हो, साफ कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।